सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने शिव और एक बार मैं फिर से आ गया हूँ प्रगति मैदान एक और नए एक्सपो के साथ। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसी स्टॉल के बाहर जिसका नाम है एक ओम। आपने जूट के बैग तो दोस्तों देखे होंगे, पर जूट के बैग में आपने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी और कलर्स नहीं देखे होंगे, जिसमें आपको लैपटॉप स्लीव्स वगैरह काफ़ी कुछ मिलेगा जो कि इको फ्रेंडली बैग्स है बिल्कुल। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए बात कराता हूँ आपकी को फाउंडर से। हेलो मैम। हेलो। छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। So basically, Ecom is a brand which has been designed to sell sustainable style and timeless design. Jute and sustainable materials are always very earth friendly. के हम इसमें कुछ variation create करते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की products में use हो जाता है। Bags, pouches, laptop sleeves, you know, कोई भी product we start with the base material और उसको किसी भी form में convert करते हैं और बेचते हैं। तो मैम आपकी manufacturing है वो कहाँ से है? हमारी manufacturing गुड़गांव में है। गुड़गांव में, तो आपका कहीं office होगा? हाँ, गुड़गांव में है। तो आप pan India देखते हैं, right? Pan India। तो थोड़े से आपके products देख सकते हैं क्या हम? हाँ जी बिल्कुल, देखिए। okay, तो लाइक ये बच्चों के लिए, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए सस्टेनेबल सिंपल बैग। तो मैम ये यूनिसेक्स है? कहने को ये जूट है। हाँ, ये यूनिसेक्स है। ओके। ये हमारी गिफ्टिंग पोटलीज हो गई, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। ये जूट में है, अगर आप इधर देखेंगे गिफ्टिंग पोटली। हाँ जी। तो मैम आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं। ये वैरायटी ऑफ गिफ्टिंग पोटलीज हैं सस्टेनेबल मटेरियल्स में। इसमें आप अपनी चॉइस का कुछ भी फिल कर सकते हैं, चाहे आप चॉकलेट्स फिल कर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स फिल कर लीजिए, इवन बच्चों को स्टेशनरी गिफ्ट करनी है तो आप इसमें स्टेशनरी फिल करके बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल मैम। तो इनकी प्राइसिंग कितने से स्टार्ट है मैम? इसे 50 रुपीज से स्टार्ट होके 150 तक जाती है। 50 रुपीज से स्टार्ट होगा। तो मैम 50 रुपीज का कौन सा वाला देख सकते हैं? ये दिस इज अराउंड 50 रुपीज। ओनली 50 रुपीज। आप देख सकते हैं 50 रुपए गए, आप गिफ्टिंग के लिए खरीद सकते हैं। कितना प्यारे लग रहा है जूट की पोटली। तो मैम इसके अलावा थोड़ा और बताइए। ये यू नो अगेन थोड़ी सी यूनिक लैपटॉप स्लीव्स हैं। लैपटॉप स्लीव्स आप देख सकते हैं। तो मैम इनकी प्राइसिंग कितने से स्टार्ट होगी लैपटॉप स्लीव्स? ये हम 250 रुपए से देते हैं। 250 रुपए से स्टार्ट है। और ये भी इसमें बहुत सारी रेंज है। ये तो काफी स्टाइलिश लग रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा जूट है, अलग से एक लैदर लगाया हुआ है लॉक करने के लिए। ये आईपैड स्लीव है। आईपैड स्लीव। हाँ जी, अगेन राफिया से बना है। तो मैम ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? पेपर राफिया है। ये पेपर राफिया, पेपर है। तो इको फ्रेंडली होता है? इको फ्रेंडली है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, कितने कितने साल इसको कुछ नहीं होता। तो मैम इसकी प्राइसिंग 300 रुपीज। हाँ जी। सो अगर आपके पास कोई B2B के लिए आता है बिजनेस, तो उनकी प्राइसिंग भी सेम रहेंगी आपके पास? प्राइसिंग क्वांटिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर क्वांटिटीज बड़ी है तो फिर थोड़ा बहुत 10% डिस्काउंट हो गया, 15% डिस्काउंट हो गया, ऐसे है। ये हमारी गिफ्टिंग बास्केट्स की रेंज है। अगेन ये जूट में है। ये आप किसी भी कलर में चाहें राफिया, साथ में यू नो आप पाउचेस बनवाना चाहें उन्हीं मटेरियल्स के, पेन स्टैंड्स बनवाना चाहें अलग अलग स्टाइल के, पेंसिल बॉक्स। हाँ जी। पेन स्टैंड कितने से स्टार्ट है मैम? काफ़ी बड़ा है ये। 220 रुपए का है। 250 रुपीज़। हाँ, 220 रुपीज़। 220 रुपीज़। ओके। उसके अलावा बैग्स वगैरह काफी सही लग रहे हैं। बैग्स हैं, ये बैकपैक्स हो गए। तो सारी गिफ्टिंग आइटम है सारी? हाँ जी। ये टिश्यू पेपर बॉक्सेस हो गए। टिश्यू पेपर बॉक्सेस। हाँ जी। तो देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा लग रहा है, सारा इको फ्रेंडली है जिससे अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर्स हो गए, टेबल ऑर्गेनाइजर्स हो गए, डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर्स हो गए, काइंड ऑफ बास्केट। ठीक है। आपकी अगेन ये बैकपैक्स हो गए बच्चों के लिए, या किसी भी साइज में आप ये बैकपैक्स बना सकते हैं। वाइन बॉटल कवर्स हो गए, फिर से गिफ्टिंग इंडस्ट्री के लिए। वाइन बॉटल कि आपको किस देने की बजाय यू कैन गिव बॉटल ऑफ ऑयल्स, वाइन बॉटल, यू नो। प्राइसिंग भी आप बताते हैं? हाँ, प्राइसिंग इसकी 190 रुपीज़। अगर B2B में कोई बल्क में लेता है फिर उनकी अलग है। हाँ जी। थोड़ा ये वाला आइटम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, वाइट है बिल्कुल, वाइट जूट। नहीं, ये राफिया है। राफिया है मैम? राफिया और जूट में क्या डिफरेंस? राफिया पेपर बेस्ड होता है। पेपर बेस्ड होता है। पेपर बेस्ड होता है, पेपर से यहाँ गलता तो नहीं है? नहीं, ये कोटेड होता है, आप बारिश में भी खराब नहीं होता, सूख जाता है। ओके, ये राफिया है। हाँ जी। ये आपके पेन स्टैंड ऑर्गेनाइजर्स हो गए बच्चों के टेबल पे रखने के लिए, पेन स्टैंड ऑर्गेनाइजर्स। हाँ जी। और ये आपकी ये भी 245 से। हाँ जी। टॉय ऑर्गेनाइजर्स हो गए,
यू नो बास्केट्स रखने के लिए. कलर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है. थैंक यू. तो ये कैसे बनाया आपने? राफिया के ऊपर? हाँ जी, ये राफिया के ऊपर है. पहले डाई होता है, फिर ब्रीफ करके फिर हम अपने प्रोडक्ट्स में बनाते हैं. देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल कलरिंग यहाँ पर दी हुई है. ये आपका छोटा सा स्लिंग बैग्स टाइप चीजें हो गई. स्लिंग बैग टाइप. हाँ जी, ये आपके ज्वेलरी बॉक्सेस की तरह यूज हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजर्स तो यू नो ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस हो गए घर में रखने के लिए. ज्वेलरी बॉक्स की तरह. ये आप इको फ्रेंडली मिठाई, आप मिठाइयों को भी एक नाइसली पैक करके दे सकते हैं. ओके, खाली बॉक्स में कुछ भी फिक्स करके यू कैन सेल. इसके अलावा मैम ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ पाउच, ओनली ट्रैवल पाउच. क्या आप इसके अंदर सारा अपना ट्रैवल का सामान कैरी कर सकते हैं? हाँ जी, दिस वन पर्टिकुलरली इज फॉर गर्ल्स. ओके, बट अगेन अगर आप न्यूट्रल शेड्स में जाते हैं जैसे ये, दिस इज यूनिसेक्स, यू नो इसमें आप अपना सारा ट्रैवल का ऑर्गेनाइजिंग चीजें कर सकते हैं. वायर्स डाल लिए, मोबाइल डाल लिए, चार्जर्स डाल लिए, यू नो मेडिसिन डाल लिए, एसेंशियल्स. तो दीज आर यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो मैम इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? 6-7 years तक तो इनको कुछ नहीं होता. 7 years तक कुछ नहीं होता? हाँ जी, कुछ नहीं होता. ये आपके अगेन छोटे छोटे बॉक्सेस हो गए, गिफ्टिंग बॉक्सेस. आपके यू कैन यू नो गिफ्ट ज्वेलरी इन दिस, यू कैन गिफ्ट ई टेबल्स इन दिस, कुछ भी आप कर सकते हैं. ये बीच बैग्स हो गए. बीच बैग? हाँ जी, कि आप बीच बैग्स ले जाइए, कॉलेज में ले जाइए फोल्डर्स वगैरह डाल के. सो अगेन वेरी नाइस, 300 rupees अ बैग. ये आपके शॉपर्स हो गए कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं या कुछ है मार्केट से, यू नो शॉपर्स काफी. हाँ, आप सिंपल अगेन. तो एक सिंगल शॉपर है? सिंगल शॉपर है. 350 कुछ भी कि आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं, यू नो. तो कितने से स्टार्ट हो गए? ये भी अराउंड 300 से स्टार्ट होता है. 300 से स्टार्ट. ओके, ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए इस तरह के बैग्स हो गए. दिस फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल. हाँ जी, कहीं भी मतलब सस्टेनेबल बैग्स हैं, आप इनको कैसे भी यूज कर सकते हैं. मैम कितने से स्टार्ट है गर्ल्स पे? ये अराउंड 400. 400 से स्टार्ट है. हाँ जी. अगेन B2B की मैम की प्राइसिंग अलग रहेगी. हाँ, अगर आप बल्क में लेते हैं तो? बल्क में लेते हैं. तो मैम अगर आपके पास कोई B2B के लिए आता है, बिजनेस टू बिजनेस, क्या आप उनकी मदद करेंगे स्टार्ट, अगर कोई अपना बिजनेस आपसे कर रहा है? बिल्कुल करेंगे. दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग टू दिस फेयर, दैट वी वुड एनकरेज पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस. नॉट फॉर दिस फेयर, जो भी कोई वीडियो को देख रहा है उनके लिए. हां जी, वी विल. तो मैम थोड़ा और आइटम दिखाइए. ये पेन स्टैंड की तरह भी आप यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कुछ भी, यू नो. हां जी, these can be worked as gifting baskets. For what? Gifting baskets bhi aur later on bhi use ho jati hain, reusable hai. Haan ji. Uske alawa ye aapke gote hai jisse banta hai. ये हमारे रिबन्स की तरह हम देते हैं कि आपको इसके अराउंड रैप करना है. अच्छा, या कुछ करना है. हाँ, इसको अलग से सेल करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. कितने से स्टार्ट है? लाइक किसी को इसके अंदर कुछ पैक करके गिफ्ट करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ रैपिंग आइडियाज चाहिए. तो ये पर मीटर होता है, कितने मीटर्स आपको चाहिए डिपेंड करता है. जैसे ये वाला होगा यू नो अराउंड 40 rupees a meter kind. 40 rupees. हाँ जी, डिपेंड करता है. उसके अलावा मैम ये क्या चीज़ है? ये हमारे फैब्रिक्स हैं जो हम बनाते हैं. या किसी को बल्क में फैब्रिक्स भी चाहिए हमसे कि हम खाली फैब्रिक्स भी सप्लाई कर सकते हैं. तो आप बल्क में फैब्रिक्स भी सप्लाई करते हैं? ओके, वेरी गुड. सारी वीविंग सब कुछ हमारा इन हाउस है. ओके, लाइक दैट. तो दीज आर लाइक यू नो फोन बैग्स. तो ये बच्चों के लिए? कोई भी यूज करे, खाली फोन के लिए. अगर आपको जैसे ये 150 rupees का है. ओनली 150 rupees? हाँ जी. ओके, तो मैम आपका जो B2B का प्रोडक्शन टाइम होता है वो कितना होता है? 20-25 days. ओके, 20-25 days. हाँ जी. तो ये सस्टेनेबल है, जैसा मैम ने बताया आपको. सस्टेनेबल मतलब कि दीज आर अर्थ फ्रेंडली. अब ये जो आइटम है ये रिवर ग्रास की बनी है. ये आपने देखा होगा नदी किनारे घास उगती है, वेस्ट घास है. उस वेस्ट घास को हमने रस्सी बनाकर एक बास्केट बना दी है.
तो ये मदर अर्थ, अर्थ से निकला हुआ प्रोडक्ट है, इसको अब यूज़ करने के बाद अगर मिट्टी में भी गाड़ देंगे तो महीने दो महीने के अंदर मिट्टी का ही पार्ट बन जाएगा, मिट्टी में गल जाएगा। ओके, तो सस्टेनेबल इसको इसलिए बोलते हैं। वेरी नाइस, दैट्स इट, थैंक यू सर। अगर आपको हमारी पूरी रेंज देखनी है तो हम लोग यहाँ पर गिफ्ट एक्सपो में हैं, प्रगति मैदान में, आज कल और परसों सैटरडे तक। हमारा स्टॉल नंबर K20, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड विजिट अस। स्टॉल नंबर K20, हॉल नंबर फाइव, स्टॉल नंबर आप देख सकते हैं अमृत वैली K20 और हॉल नंबर फाइव, तो आप सर से विजिट कर सकते हैं आकर। सो वुड यू लाइक टू शेयर योर ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? यस श्योर, द ईमेल एड्रेस इज info@amritvalley.com एंड द मोबाइल नंबर इज, हमारा मोबाइल नंबर 8448816640। थैंक यू सर।